हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं दसारा शो। दसारा शो में आपका स्वागत है। सर्दियों और शादी में खाने वाले सबसे पॉपुलर स्वीट गाजर का हलवा, जिसको भारत और इंडिया के बाहर रहने वाले लोग इस स्वीट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कोई भी शादी हो या फिर रिसेप्शन, अगर उसमें गाजर का हलवा ना हो खाने में तो शादी का मजा ही नहीं आता। काफी सारे लोगों का अपना अपना तरीका है हलवा बनाने का और वो सभी बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हलवा बनाना नहीं आता है। वो सब इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं कि गाजर का हलवा कैसे बनता है। तो उन सब की परेशानी दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आपको गाजर का हलवा कैसे बनाएं, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको दिखाया गया है। सबसे पहले आपको गाजर के हलवे के बारे में बता देती हूँ कि इस स्वीट को बनाने में आपको किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। गाजर के हलवे की रेसिपी जो आपके सामने आ रही है, इसको आप एक पेपर पर अच्छे से नोट कर लें, जिससे आप कभी भी इस स्वीट को बनाने लगे तो आपको सब पता पहले से हो कि गाजर के हलवे में क्या क्या डाला जाता है। 2 केजी गाजर, 500 ग्राम खोया, 300 ग्राम चीनी, 1 लीटर दूध, 2 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी, 50 ग्राम कटी हुई बादाम, 50 ग्राम कटी हुई काजू, 50 ग्राम रेसिनस, 5-6 इलायची। ये थी रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस रेसिपी को किसी पेपर पर उतार लिया होगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनता है गाजर का हलवा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी गाजर को कद्दूकस कर दीजिए, मतलब अच्छे से काट लीजिए। अब जब आपकी सारी गाजर अच्छे से क्रश हो जाए, तो उसके बाद आप गैस पर कढ़ाई रखिए और उसमें सारी कटी हुई गाजर डाल दीजिए। जब आप कढ़ाई में सारी गाजर डाल देते हैं तो उसको आप अच्छे से पकाएं। आप उसको तब तक पकाएं जब तक गाजर का पानी ना सूख जाता। गाजर का पानी जब हल्का सूख जाए तो इसमें आप 1/2 लीटर दूध डालिए और उसको तेज आंच पर दूध सूखने तक पकाते रहिए। जब गाजर दूध में पकने वाली हो तो इसमें 4-5 इलायची पीस कर डालें। दूध को सूखने में टाइम लगता है। अब जब गाजर पकने लगे और उसमें दूध सूख जाए तो आप उसमें चीनी डाल दीजिए। अब गाजर और चीनी को अच्छे से मिलाएं और उसको अच्छे से पकने दें। जब आप गाजर में चीनी डालते हो और उसको मिलाते हो तो गाजर से पानी निकलता है और पानी को सूखने में थोड़ा समय लगता है, तो आप पानी को अच्छे से सूखने दें। अब जब आपको लगे कि पानी कम हो गया है और गाजर ने चीनी को सोख लिया है, तो इसके बाद आप इसमें खोया मिक्स करें और अच्छी तरह से हिलाएं और पकने दें। जब गाजर में खोया अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें आप 2 बड़े चम्मच देसी घी डालिए। आखिर में इसमें आप ड्राई फ्रूट डालिए और अच्छे से हिलाएं। अब आपका गाजर का हलवा पूरी तरीके से बन चुका है। इसको आप सभी अपने घर में जरूर बनाएं और सभी परिवार वालों के साथ मिलकर बांटकर खाएं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं, और इस रेसिपी को अपने चाहने वालों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और गूगल पर शेयर जरूर करें। लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए दसारा शो के साथ। सारा फिर लेकर आएगी आपके लिए और भी कुछ खास। तब तक के लिए अलविदा।